2x + 2x 4x, और यहां आ गया 12 + 16 28, 28 और 28 56 आ गया। हम यहां जगह कम होने के कारण शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो 4x + 56 आ गया, 4x + 56 आ गया। तो इसका एरिया और उसका एरिया सेम होगा उस जगह पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं। ये कहां से 48 आएगा ये आप ध्यान से देख लीजिएगा अच्छा से। ये फर्स्ट केस में हुआ, इधर हम लोग फर्स्ट बनाए, चाहे फर्स्ट इधर भी कर सकते हैं, सेकंड इधर भी कर सकते हैं। फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड हो गया। अब यहां पे जगह थोड़ा सा कम होने के कारण यहां से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 48x² + 672x का रूट अंडर रूट इक्वल टू 4x + 56। ये 4x + 56 कहां से आया? ये 2x और ये 2x, 4x 12 और 28 और 16 को ऐड करें 56 आएगा। अब यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब ये रूट हटेगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 48x² + 672x इक्वल टू 4x + 56 का होल स्क्वायर। ये हम लिख के दिखा दिए इसलिए कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। यहां तक हम लोग का क्लियर आ गया? जब ये क्लियर आ गया तो अब इसी को सॉल्व करना है सर। जब इसको आप सॉल्व सही ढंग से कर लेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो हम इसके आगे, यहां तक तो क्लियर हो गया, 48x² √48x² + 672x = 4x + 56। मतलब ये तीनों का सम ये बड़ा ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो गया, तीनों एरिया निकला हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करना चाहेंगे, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको मतलब एक्चुअली इसमें निकालना है एक्स, एक्स निकालेंगे तो एक्स में 6 ऐड कर देंगे, एक्स में 8 ऐड कर देंगे, आंसर मेरा क्लियर हो जाएगा। अब यहां से प्रथम इरेज करते हैं इसको, जी इसको हम इरेज करके आगे बढ़ाते हैं। अब इसका कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो कैलकुलेशन पर अगर ध्यान देंगे तो आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहां पे मतलब इस जगह के बाद हम यहां शुरू करते हैं, ये देख लीजिए यहां पर, तो 48x² लिख दिए + 672x ये वाला। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, 16x² हो गया। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3136 आएगा सर, 56 का स्क्वायर करेंगे तो 3136 आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब +2ab, तो 2 × this × this 2 × 4 = 8 8 × 56 करेंगे तो सर 448x आएगा। इसका जब a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आपका यही आएगा, a² + b² a² + b² + 2ab। अब क्या करिए, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिखते हैं। इसको इधर लाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, लाना नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो 48 में 16x² घटाएंगे तो 32x² आ गया। अब 672x है, यहाँ पर 448x है, इसको जब इससे माइनस करेंगे तो साइन तो प्लस करेंगे क्योंकि प्लस बड़ा है, तो आ जाएगा आपका कितना, 12 में से 8 4 4 आ गया सर, यहाँ 6 4 2 224x आएगा सर। इधर आएगा साइन प्लस का होगा क्योंकि साइन ये प्लस बड़ा है। आप +3136 को इधर लेके आइए, 3136 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर 4 में आ गया, मतलब इसको यहां माइनस कीजिए, इसको इसमें एक्स माइनस कर दीजिए और इसको उठा के इधर लेके आइए। अब इसको हम लोग अगर डी निकाल के अल्फा बीटा निकालेंगे तो थोड़ा सा बड़ा नंबर है ये, तो जब बड़ा नंबर है तो इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कोई ऐसा नंबर है जिससे सारा कट जाता है। तो एक नंबर है जो हम बना के इसको पहले से रखे हुए हैं, 32 का टेबल से सब कटेगा, 32 एक ऐसा नंबर है कि 32 से 32 भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा सर। तो 32 से अगर डिवाइड करने क्या आएगा कि 32 को 32 से करिए दोनों साइड, यानी कि डिवाइडेड बाय 32 इन बोथ द साइड, दोनों साइड को अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं तो 32 / 32 1 आ गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। और 32 से जब इसको डिवाइड करेंगे सर तो आपका 7x आएगा, चेक किया हुआ है, 32 7 चेक कर लीजिए, 32 को 7 7 2 14 और 7 3 21 और 1 22 आ गया। माइनस 32 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 98 आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा,
इक्वल टू जीरो आ गया। ये सॉर्ट इसलिए किए कि हमारे पास स्पेस यहाँ कम था, बार बार मिटाना नहीं पड़े, इसलिए ऐसा कर दिए। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में आ गई है, अल्फा बीटा निकल जाएगा आराम से। तो पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल दीजिए यहाँ पे। तो बी का वैल्यू सेवन है, तो सेवन का स्क्वायर लिखिए, फोर इंटू ए का वैल्यू वन और सी का वैल्यू है माइनस 98। इसको यहाँ ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा सर। तो सेवन का स्क्वायर 49 और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस आ गया। तो फोर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 माइनस 3 4 9 36 और 3 करेंगे तो 39 आ जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे सर सर तो आपका 4 4 1 आएगा, 9 2 11 माइनस 1, 9 3 14 30 9 4 9 और 4 13 प्लस 1 14 बैलेंस 1 और 3 1 4 आ गया। अब इसका रूट भी निकल जाएगा क्योंकि हमको डी का जो रूट निकालना पड़ेगा अल्फा निकालते समय। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाय 2a। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस 7 हो जाएगा प्लस डी जो निकला कितना 4 4 1, इसका जब रूट निकालेंगे तो 21 आएगा सर। और 2a, a का वैल्यू मेरा यहाँ 1 है क्योंकि a इसको बोलेंगे, b ये 7 है और c आपका 98 है, माइनस 98। तो अब आप देखिए यहाँ पर माइनस 7 प्लस 21, तो प्लस इज ग्रेटर देन माइनस, देयरफॉर साइन विल बी माइनस। अगर प्लस का वैल्यू साइन ये वैल्यू जो है माइनस से बड़ा है तो उसका साइन प्लस का होगा। तो 21 में 7 को लेस कर दीजिए क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस करने पर हमेशा घटता है ये, तो आपका 14 आ गया। 14 को 2 से डिवाइड करिएगा सर, आपका 7 आ गया। अब आप यहां देखिए, 7 जैसे आ गया तो x का वैल्यू निकलाइए क्योंकि x था क्वेश्चन में, तो x का वैल्यू निकला। अब हम लोग बीटा निकालेंगे तो यहां माइनस देंगे क्योंकि यही अंतर होता है, बीटा में सिर्फ यहां माइनस होता है, तो ये माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का हो जाएगा। तो x निगेटिव निकल जाएगा, तो किसी भी ट्रायंगल का साइड जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव नहीं होने के कारण हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इसलिए बीटा नहीं निकालते हैं, इसी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो अब निकालना पड़ेगा, लास्ट टाइम लोग क्या लिखेंगे इसको भी यहां से इरेज कर देते हैं क्योंकि तो इसका भी यूज खत्म हो गया। अब ए सी और ए बी निकालना था, फिगर में देख लीजिएगा अपना, जो उल्टा पुल्टा भी नाम होगा तो अपना सेट कर लीजिएगा। अब एक निकालना था ए सी, देयरफॉर ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 8 था, तो एक्स का वैल्यू 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर पहला आंसर आ गया, और ए बी जो था वो एक्स प्लस 6 था, तो 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर आ गया। ये दोनों आंसर हो गया, ये हम लोग का क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इसको स्कूल अर्थ में जब बना के हम लिख के देंगे अपने राइटिंग में तो वहां से आप इसको नोट करिएगा क्योंकि उसमें मिटाने का काम तो पड़ेगा नहीं, सिर्फ देख करके आपको लिखना है। अगर एक कॉन्स्टेंट वे में अगर बच्चा जो देखा होगा इसको वही ढंग से बना पाएगा, क्योंकि इसमें जो हम लोग 32 डिवाइड किए थे इसको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ये 32 से जो डिवाइड किए, ये 32 से डिवाइडेड बाय 32 इन बोथ द साइड, 32 से लेफ्ट में भी डिवाइड किए और राइट में, तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा, इसका कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, इसलिए राइट में कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट में याद रखना है कि 32 से 32 डिवाइड करेंगे तो 1x स्क्वायर आ गया, 32 से 24 को डिवाइड करेंगे 7x आ गया, और 3136 को डिवाइड कर 32 से करते हैं तो 98 आ गया। तो ए बी सी तीनों टर्म निकल गया हम लोग का, इसको अल्फा डी निकाल के डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके अल्फा बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा देखते हैं प्लस आता है और बीटा माइनस में आएगा, इसलिए उसको निकालने का नीड नहीं है, यहीं पर छोड़ दिया क्योंकि पहले ही पता चल गया कि बीटा हम लोग का निगेटिव आएगा। ओके okay?